नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरसिंहोऽखिलाज्ञान मतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञान सुखशक्तिपयोनिधिः। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। चित्रैः पदैः च गंभीरैः वाक्यैः मनैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भति श्री जयतीर्थवाक्। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान्। अञ्जना सूनुसानिध्यात् विजयेन विराजितं अजितप्रीतिजनकं भजेहं विजयध्वजम्। अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्या विद्योतभास्वरम्। तपःस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राटचक्रवर्तिनम्। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान व्यास महर्षि ने अठारह पुराणों का रचना की है। उन पुराणों में से एक है पद्म पुराण। यह पद्म पुराण अनेक विषयों के बारे में चर्चा करती है। उसी में से एक विषय है कार्तिक मास का माहात्म्य। कार्तिक मास ही श्रेष्ठ मास है ऐसे सब लोग बोलते हैं, तो वह क्या हैसियत है इस कार्तिक मास का। इस तरह पृथ्वीराज नारद जी से पूछ रहे हैं। उस दौरान पद्म पुराण के 106 अध्याय में एक विशिष्ट उपाख्यान आता है, उसका नाम है कलह उपाख्यान। यह कलह यानी कि झगड़ा करना, इस तरह का अर्थ भी है कलह शब्द का। तो जैसा नाम है काम भी वैसा ही था उस कलह का। यह सौराष्ट्र नगर के वासी भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। यह सदा उसकी पति से झगड़ती थी, मारती थी, पीटती थी। कुछ ना कुछ झगड़ा करने से ही उसको सुकून मिलता था। एक बार ऐसा हुआ, इस झगड़ा करने की बुद्धि से वह भिक्षु नामक ब्राह्मण दूसरी शादी करने का इच्छा किया, तो उसे यह कलह जानकर विष प्राशन करके प्राण त्याग दी, आत्महत्या कर ली। तब यमदूत आए, उसे यमपुरी को संयमनीपुरी बोलते हैं, वहां
ले जाते हैं, तब वहां यमधर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं इसकी पुण्य कितनी है और पाप कितनी। तब चित्रगुप्त बोल रहे हैं कुछ भी पुण्य नहीं है इसका, क्योंकि यहां पति से कभी भी प्यार से बात भी नहीं की है, पति से पहले ही मृष्टान्न भोजन खाना, पति को कुछ भी नहीं देना, प्यार से बात नहीं करना, इस तरह और पति को मारना पीटना, इस तरह पाप कार्य ही की है, तो इसीलिए उन पापों का प्रायश्चित के लिए इसे देखिए कितने पाप करते हैं हम, वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं ना, तो इस उसकी पाप के हिसाब से, पापों के हिसाब से, केवल एक पाप नहीं है ना, पापों के हिसाब से वह अनेक विध का वह दंड बोल रहे हैं चित्रगुप्त। सूकर का जन्म प्राप्त करना और मार्जार का जन्म को प्राप्त करना, तत्पश्चात पिशाच के रूप में, क्योंकि आत्महत्या की है, विष प्राशन करके इन दिनों में हम बहुत बार बहुत देखते हैं, थोड़ी सी अंक कम मिला तो सुसाइड, प्राण त्याग देते हैं। उन लोगों को यहां एक सुझाव भी मिलता है, प्राण हत्या यानी आत्महत्या, सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह यह कलह प्राण त्याग दी थी, प्राण हत्या करके, विष प्राशन करके, तो इसलिए पिशाच का जन्म भी प्राप्त करो, इस तरह चित्रगुप्त बोले। उसी दौरान वह पिशाच जन्म को प्राप्त करके इधर उधर भटकती जा रही थी, उस समय उसे कुछ प्यास लगने लगी, तभी वह रेगिस्तान में जा रही थी, तभी वहां पर एक व्यापारी आया, उसमें यह प्रवेश कर ली। वहां तो व्यापारी कृष्णा और वेणी नदी के संगम में स्नान कर लिया, तो स्नान करने से वह पुण्यशाली हो गया। तब विष्णुदूत आकर जो वह प्रवेश की थी ना यह कलह, उसे बाहर फेंक दिए, उसको लेकर गए। तत्पश्चात वह फिर से इधर उधर भटकती आ रही थी, तभी एक ब्राह्मण दिखाई दिया धर्मदत्त बोलकर, उसे उसके आगे आकर खड़ी हो गई। भयानक आकृति था उस कलह का, तो उसे देखते ही यह धर्मदत्त भयभीत हो गया, कांपने लगा, फिर भी धैर्य को प्राप्त करते मन ही मन में वह उसके हाथ में तुलसी से युक्त, तुलसी पौधा है ना हमारा, उस पवित्र तुलसी जल को हाथ में लेकर द्वादश वासुदेव द्वादशाक्षर को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जापते वह धर्मदत्त उस जल को
उसके देह में प्रोक्षण कर दिया। जब प्रोक्षण किया, प्रोक्षण से ही उस कलहा को उसकी पिछली जन्मों के संस्मरण आ गया, याद आ गया। तब वह उसे उस धर्मदत्त को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोलने लगी, हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे उद्धार करने के लिए है यहां पर आए हो, इस तरह मैं मानती हूं, तो कृपा करके मुझे इस घोर देह से मुक्ति कैसे मिलेगी वह मुझे बताओ। तब वह धर्मदत्त पूछा, तुम कौन हो, इस तरह की देह स्थिति कैसे तुम प्राप्त की हो, पूछा तो वह उसकी सारी कहानी बताती है। तब उसे तरस खाकर, ब्राह्मण है तो तरस खाकर वह धर्मदत्त बोलने लगा, ठीक है, तुम तो बड़ी पापिन हो, फिर भी तरस आने लगा है तुम्हारे ऊपर, तो इसलिए मैं जो मैं बचपन से करते आ रहा हूं, कार्तिक मास का जो पुण्य है, उस कार्तिक मास का पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें सौंपता हूं, उससे तुम इस घोर देह को त्याग कर सकती हो, इस तरह बोलते वह धर्मदत्त फिर से तुलसी मिश्रित, तुलसी से युक्त वह जल को उसके ऊपर डालने लगा, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जापते जापते, तो देखते देखते ही वह जो कलहा का वह देह था उसे त्याग दी और अद्भुत रूप वह प्रकट हो गया। इस तरह यह कलहा जो पति निंदा करते प्राण त्याग दी थी, पिशाच जन्म को प्राप्त की थी, उस कलहा को यह धर्मदत्त ब्राह्मण ने उसकी देह को त्याग कराते हुए स्वर्गलोक को जाने की यह स्वर्गलोक को जाने के लिए सहायता करता है यह धर्मदत्त। तत्पश्चात वह विष्णुलोक से विष्णुदूत आते हुए उसे भी अनेक सत्कारों से प्रसन्न करते हैं और बताते हैं, जो भी यह कार्तिक मास में प्रातः काल में एव ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर स्नान आदि सब कार्य समापन करता है, उसे समस्त पापों से वह मुक्त होता है। तुम भी जो बचा हुआ आधा पुण्य भाग है, उस पुण्य भाग से जो तुम उपभोग कर सकते हो, सब स्वर्गलोक में उपभोग करके तत्पश्चात यही धर्मदत्त और उनकी इस जन्म की पत्नियां त्रेता युग में दशरथ और दशरथ के पत्नियों के रूप में पैदा होते हैं, और यही कलहा भी जो आधा पुण्य को लेकर अभी स्वर्गलोक को प्राप्त की है,
वह कलह उस जन्म में आने वाले जन्म में दशरथ के पत्नी के रूप में कौसल्या के रूप में आती है। इस तरह वरदान को देकर वह विष्णुदूत चले जाते हैं। इस तरह कार्तिक मास में जो भी ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर स्नान पूजा आदि करके भगवान का उपासना करता है वह निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यही इस कार्तिक मास का महात्म्य है। इस तरह वह नारद मुनि ने पृथ्वीराज को उपदेश देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।